हर इंसान जो पटना में रहता है, बड़ा हो छोटा हो, इस मेले के इंतजार में रहता है। हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था पाटलिपुत्रा का डिज्नीलैंड मेला, पर अब हम लोग आ चुके हैं गांधी मैदान, पटना का मोस्ट अवेटेड सबसे बड़ा मेला। एंट्री इस साइड से एंट्री है, यहाँ से आप एंटर करेंगे प्रवेश, और उस तरफ से मतलब काफ़ी आगे से काफ़ी लंबा वो लगा रखा है, वहाँ से आपको एंटर करना है। टिकट काउंटर ढूंढ रहे हैं हम लोग, टिकट काउंटर यहाँ पे है, टिकट काउंटर देखते हैं, टिकट्स लेते हैं, किस प्राइस का टिकट है। आई गेस 50 रुपये होने चाहिए, देखते हैं। तो ये रहा टिकट काउंटर, और यहाँ पे 20 रुपये की टिकट्स है, तो आई गेस काफ़ी जर्नी है, 20 रुपीज़ सेम जो पाटलिपुत्रा का प्राइसिंग था वही है यहाँ पे। अंदर जो राइड्स हैं शायद उनका भी जो प्राइसिंग होगा वो 80 टू 100 रुपीज़ होना चाहिए। तो टिकट लेकर हम चल रहे हैं अंदर, और अंदर चल के देखते हैं कि अंदर कौन से राइड्स हैं, कैसे स्टॉल्स हैं और कितनी भीड़ है। शाम में 4 बजे से 10 बजे तक की टाइमिंग है इसकी, और आजकल पटना का जिस तरह से मौसम हो रखा है, ठीक है, सुबह या शाम में हल्की सी बारिश हो जाती है, तो डेफिनेटली आप डिज्नीलैंड जा सकते हो अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, काफ़ी अमेजिंग लगेगा। और स्टॉल्स है, जैसे ही आप एंटर करते हो सबसे पहले स्टॉल्स लगते हैं, और स्टॉल्स को क्रॉस करके ही आप मेन एरिया में जा सकते हो जहाँ पर राइड्स लगे हुए हैं। सही है, सारे स्टॉल्स के थ्रू एक बार जो क्राउड है वो क्रॉस कर जाता है, और लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ है, गेम्स है, राइड्स है, हर तरह की राइड्स है। एक राइड जो पहले फर्स्ट डे थी वो अभी नहीं लगी हुई है, उसके अलावा बाकी सारे राइड्स हैं यहाँ पे। खाने के लिए वही एवरेज काइंड ऑफ चाट, गोलगप्पे, आइसक्रीम और भेलपूरी मिलती है, लेकिन हाँ मेले से बाहर निकलने के बाद जो स्टॉल्स लगे रहते हैं वो ज़्यादा अच्छा खिलाते हैं। झूलों से लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें आना बंद हो तब मैं यहाँ पर आपको कुछ और दिखाऊँ। वैसे तो मज़ा बहुत आया, हमने राइड्स नहीं किए क्योंकि हमने रिसेंटली ही कुछ राइड्स किए थे पाटलिपुत्र मैदान में, लेकिन आप डेफिनेटली जाओ तो आप ज़रूर कुछ राइड्स को इन्जॉय करना।